हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं मिर्ची वड़ा। क्या? मिर्ची वड़ा। मैंने वड़े के साथ मिर्ची सुना था, मिर्ची का भजिया सुना था, लेकिन मिर्ची आज वड़ा? ये मिर्ची वड़ा बनाने वाली हूँ मैं। जैसा आप खाते ना आलू वड़ा, उस तरह से हम बनाएंगे मिर्ची वड़ा। तुम खाना मैं सुखा सुखा खाने का क्या? हाँ, चटनी के साथ डिप करके खाने का है, मैं बनाती हूँ फिर खाना। तो देखो भाई, आज एक अलग और न्यू रेसिपी आई है अपने चैनल पे, तो ये जरूर बहुत से लोगों के लिए नवी होगी, शायद बहुत से लोगों ने खाए भी होगी, सुना भी होगा। जिसके लिए नवी रेसिपी, जिसने अभी तक सुना नहीं वो कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो अपने घर पे ट्राई भी जरूर करना है ना। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि आज हमें मिर्ची वड़ा बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम मिर्ची, आलू, बेसन, अदरक, हरी मिर्ची, कुटा हुआ धनिया, आमचूर, चाट मसाला, कोथमीर, प्याज, काली मिर्ची पाउडर, काला नमक, हींग, अजवाइन, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि ये मिर्ची का मैं वड़ा बनाने वाली हूँ। देख रहे आप लोग, ये मिर्ची का वड़ा, ठीक है? तो इसको हम अभी थोड़ा साइड में रखेंगे। और यहाँ पे ले ली हूँ मैंने एक 300 ग्राम आलू। तो आलू को आप बॉईल करके थोड़ा सा ठंडा कर लेना। तो मैंने यहाँ पे आलू पहले से ही बॉईल करके लेके आई हूँ। मैं पहले इसको थोड़ा सा छील लेती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छे से छील ली हूँ, ठीक है? तो ये हमारा 10-15 मिनट का टाइम बच गया, हमने आलू पहले से बॉईल करके लाए थे। आप लोग भी काम करते करते बॉईल कर लेना, ठीक है? यहाँ पे हमने फ्राई पैन चढ़ा दिए हैं, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल। तेल ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 छोटा चम्मच बस। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे तेल को। तो यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा, एक छोटा सा टुकड़ा लिए हमने अदरक का, और यहाँ पे मैंने ली हूँ 3 से 4 हरी मिर्ची। आप लोग को जितना तीखा लगता है आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं लाल मिर्ची यूज नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची यूज करी। अगर आप लाल मिर्ची डालना चाहते हैं तो हरी मिर्ची कम डालना, ठीक है? अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज मैंने थोड़ी सी बचा ली हूँ और थोड़ी सी डाल दी हूँ, यानी कि आधे से ज्यादा डाल दी हूँ और थोड़ी सी बचा ली हूँ। इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। तो यहाँ पर प्याज मेरी थोड़ी सी पक गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये आलूओं को हाथों से तोड़ के। जादू? हाँ, ये अपने आप अभी मसाला हिलाते हिलाते हम जब पकाएंगे ना तो ये खुद ब खुद उसमें गल जाएगी, ठीक है? अब डालेंगे हम इसमें हमारे मसाले। तो यहाँ पे मसाले में मैंने ली हूँ 1 चम्मच भर के धनिया, जो कि मैंने भून के इसको कूट ली हूँ अच्छे से दरदरा। ये दरदरा मुँह में आएगा तो अच्छा लगता है, ठीक है? इसके साथ डालेंगे हम यहाँ पे चाट मसाला। 1 चम्मच में यहाँ डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। यहाँ पे आप नींबू का सद भी डाल सकते हैं, नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, आपको जो डालना है वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काला नमक 1/2 चम्मच, ये चटपटे के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने ली हूँ काली मिर्ची पाउडर, ठीक है? और यहाँ पे मैंने ली हूँ ये हींग, ये हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। मैंने अक्खा जीरा भी डाली थी और पिसा हुआ जीरा भी इसमें 1/2 चम्मच ऐड करूंगी। और 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। यहाँ पे मैं लाल मिर्ची का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं इसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक मैं मेरे टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और इसको 2 मिनट पका ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसमें डालेंगे हमारी कोथमीर। वही मतलब अभी तक डाले नहीं इसको बड़ी फिकर रहती है कोथमीर ही डालते बोले अम्मी हर चीज़ में। अच्छा, आप लोग कमेंट्स करके बताना कोथमीर किस किस को पसंद है। ये जब भी कोथमीर डालू ना बोलते तुम कोथमीर ही भर देते तो यहाँ पे हमारा मसाला हो गया है रेडी। अब हम क्या करेंगे,
एक खुले बर्तन में इसको निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। हम गैस करेंगे बंद और मैं यहाँ प्लेट में ही निकाल ले रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ठीक है, अगर मैं फ्राई पैन में रखूँगी तो टाइम लग जाएगा ना ठंडा होने के लिए, इसके लिए मैंने बर्तन चेंज कर लिया। अब ये खुले बर्तन में थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो हमारा आलू का मसाला ठंडा हो रहा है, जब तक हम क्या करेंगे, बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 200 ग्राम बेसन। यहाँ पे बेसन थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमको मिर्ची वड़ा बनाना है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा थिक लगेगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। बेसन का आइटम है तो अजवाइन ज़रूरी है, पेट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो पूरा घर गड़बड़ हो जाता है। इधर डालेंगे हम नमक। नमक हम हमारे हिसाब से डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डालना। और यहाँ पे थोड़ी सी कोथमीर, जरूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं डाल रही हूँ, है ना रिया, जबरदस्ती जरूरी नहीं है फिर भी डाल रहा हूँ। फिर भी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा आंखों को अच्छा लगे, है ना। आंख में मत डाल देना फिर। मैं वही बोली, अभी तक बोला क्यों नहीं कुछ। चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका घोल बना लेंगे। और ये घोल हमको एकदम पतला नहीं चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने घोल तैयार कर ली हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं अभी 2-4 मिनट से ऐसे ही मिला रही हूँ, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसमें सोडा तो यूज़ नहीं करने वाले हैं ना, तो इसके लिए अभी मुझे हाथों की मदद से इसको एक साइड फेंटना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो इसमें मीठा सोडा, इनो कुछ भी ऐड कर सकते हैं तो आपके भजिए फूल जाएंगे। यहाँ पे मुझे बिना इनो के और बिना सोडे के बना रही हूँ, तो मुझे हाथों की मदद से इसको अच्छे से फेंटना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी अच्छे से 5-7 मिनट के लिए फेंट लूँगी। तो यहाँ पे 5-7 मिनट हो गए, मेरे हाथ आराम से दर्द शुरू हो गया है, देख रहे हैं आप लोग। ये चम्मच से ना जल्दी से ये फेटा नहीं जाता है, इसमें हवा नहीं भरी जाती है। आप हाथ की मदद से करेंगे ना तो बहुत जल्दी हवा इसमें भर जाती है। ठीक है, तो अभी हम कैसा चेक करेंगे, पका के। हाँ मस्त एकदम, देख कलर भी चेंज हो गया है। तो चेक कैसा करेंगे, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेक करने के लिए यहाँ पानी ली हूँ जिसमें हम डाले है 1 टिपका। तो ये आ गया ना पानी पे तैर रहा है, मतलब आपके यहाँ पे बेसन रेडी हो गया है, इसमें हवा अच्छे से भर चुकी है। अब यहाँ पे आपको इनो या सोडे की कोई जरूरत नहीं, मतलब पानी के ऊपर आना चाहिए। हाँ, ये पानी के ऊपर तैरने लग गया, मतलब आपका इनो का काम हो गया बेसन में। अब हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे ढक के 2-4 मिनट के लिए। तो चलो 2-4 मिनट हमने बेसन के घोल को आराम करने रखे है, जब तक हम यहाँ पर फिलिंग भर लेंगे। हमारी मिर्ची को हम आराम से चीरा मार लेंगे। कौन से में, ढेपली, ढेपली मिर्ची पूरा बीच में ही मारना है, ये साइड तक नहीं आना चाहिए छुरी, सिर्फ बीच में। ठीक है, और हाँ, इसके अंदर जो बीज वगैरह है ये अपनी मर्जी है, निकालना है तो निकालिए, नहीं निकालना है तो ना निकालिए, क्योंकि मैं तो नहीं निकालने वाली हूँ, क्योंकि ठेले पे या बाहर मिलती है तो उन लोग भी तो निकालते नहीं है ना, तो हम क्यों निकालें, वो कोई बुरा नहीं है, टेस्ट अच्छा ही आता है और ये तीखी नहीं होती है मिर्ची। तो यहाँ पे मैं हाथों की मदद से इसके अंदर भरने वाली हूँ ये अच्छे से ढेर सारा। तो इसीलिए इसे कहते हैं वड़ा मिर्ची। हाँ, मिर्ची वड़ा, बटाटे वड़े की पूरी स्टफिंग हमारे मिर्ची में जाएगी, भर भर के वड़े की स्टफिंग जाएगी मिर्ची में, है ना। हाँ, अच्छे से भर लेना खोल के पूरा। अगर आपको बीज वगैरह निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं निकाल रही हूँ इधर। है ना, अब इसमें आपको खट्टा तीखा जो अपने हिसाब से चाहिए आप इसमें भर सकते हैं आपके मसाले के अंदर, चाहे इमली का बोलो, चाहे इसमें आप नींबू का सत बोलो या नींबू का रस बोलो, जो डालना है, या मीठी खट्टी मीठी चटनी ऐड करना है, टेस्ट तो अपने हिसाब से आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं आलूओं के अंदर। तो यहाँ पे हमारी ये स्टफिंग अच्छे से भर गई है, अब मैं इसी तरीके से सारी मिर्चियों की कटिंग करके भर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्चियाँ अच्छे से भर ली हूँ। ठीक है, इतनी वजन वजन हो गई है मिर्ची, देखो बताओ आपको। वजन वजन तो मेरे हाथ में लग रही है, लेकिन मिर्ची आप देखो एकदम ठोस भरी हूँ मैंने, एकदम दबा दबा के, है ना। अब क्या करेंगे हम, बिस्मिल्ला करेंगे। यहाँ पे ले ली हमने हमारा ये जो घोल बना के रखे थे,
इसको अच्छा फेट भी लिए थे और यहाँ पे भरते भरते हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल भी रख दिए थे ताकि हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो जाए। तो हम जरा देख ले तेल गर्म हुआ या नहीं। माशाल्लाह, चलो तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब क्या करेंगे, हम ये मिर्ची लेते जाएंगे और यहाँ पे हम अच्छे से डिप करते जाएंगे, गोल 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 घुमाने आइसक्रीम। हाँ, इसका तरीका है ये, इसको अच्छा घोल बर्तन में लेके इस तरीके से और इसकी डंडी बहुत काम आती है, ये मिर्ची की जो डंडी होती है ना वही टूट गई तब। हाँ, ये नहीं तोड़ना, ये मेन है। ठीक है, बिस्मिल्लाह, मिर्ची की डंडी ही मेन है, उसी से हमको पकड़ने में हेल्प मिलती है। इसको बस अच्छे से गोल घुमाने के लिए भी काम आता है, ठीक है, खाने के लिए भी काम आता है, बनाने के लिए भी काम आता है। ये हो गया हमारा मिर्ची, ये डालेंगे हम, बिस्मिल्लाह, वो है ना वो मिर्ची वड़ा। और घोल आपका थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना, पतला नहीं रखना, नहीं तो मिर्चियों के ऊपर से स्लिप हो जाएगा, मिर्चियों को घोल बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा। अब मैं यहाँ पर हमारी तीन मिर्ची डाल दी हूँ, पहले मैं इसको ही पका के निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद हम दूसरी फ्राई करेंगे। ठीक है, तो देख रहे आप लोग? नहीं नहीं देख रहे नहीं नहीं देखो देखो तीन से चार मिनट लगा है मुझे इसको अच्छे से फ्राई करने, अल्टी पल्टी करके। माशाल्लाह अच्छे से फूल भी गया है, पक भी गया है ना। बस अभी हम उसको निकालेंगे, इसको ज्यादा लाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप मिर्ची भजिया खाते हैं ना, खट्टी मिट्टी इमली वाली, इमली और जीरा जो भरे हुआ रहता है, ये कुछ नई रेसिपी लेकिन। हाँ, ये मिर्ची बड़ा है, ये देखो आप, ये ना मेरे को बनाना बनाना लग रहा है, बनाना। अब रियाज भी ऐसी ही बनाएगा लेकिन मैं ये पाव के साथ नहीं खाने का, ऐसी खाने का, ऐसी ही खाने का, केचप के साथ, मिट्टी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, किसी के भी साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी दूसरी और मिर्ची ले ली हूँ, इसको भी मैं अच्छे से घोल में भिगा लूंगी। आप लोग देख रहे हैं ना मेरा घोल गाढ़ा हो गया है एक 5-10 मिनट रखने से, तो ये इसी तरीके से गाढ़ा होने से ही हमारी मिर्ची को अच्छे से लपट रहा है, एकदम आइसक्रीम आइसक्रीम लग रही है, आइसक्रीम। अगर ये पतला कर देगा आप तो यहाँ पे जो हरी मिर्ची है वो सिल्की होती है थोड़ी सी, तो उस पर बैटर चिपकता नहीं है, पिसल जाएगा आपका बैटर जो है, इसके लिए थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, ठीक रहेगा तो उसको चिपक जाएगा। तो यहाँ पर मेरी मिर्ची वड़ा तैयार हो गया है सब, ये है लास्ट मस्त। ये भी मिर्ची वड़ा नहीं, मिर्चा वड़ा है, मिर्चा तो देखो आप लोगों को बताऊं, एक काट के मस्त गरम है, लेकिन अभी सब के सब गरम है, फिर भी मैं आप लोगों को एक, अरे मिर्ची काटो, बनाना क्यों काटो बनाना, वाह 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 बनाना, ओहो मस्त है ना। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना मिर्ची का बड़ा वाला वड़ा, मिर्ची का बड़ा बड़ा मिर्ची का बड़ा वड़ा, ये देखो। आपने सोचा था कि हमने कुछ ऐसी रेसिपी बनाएंगे ऐसा लग रहा केला ना, केला अंदर से सड़ गया है क्या 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 केला है, केला के, ये देखो ये देखो, बनाना लग रहा है बनाना तो चलो अभी हम खाते हैं मिर्ची का वड़ा, अभी कहाँ से लिखे हैं रेसिपी मैं जब से पका रही हूँ ना, जब से मेरे साथ मजाक कर रहा है ये ना, ये है क्या, है क्या ये, ये है क्या ये ना भाई, सही बोलूँ ना, वो जो देखो वड़ा पाव के साथ मीठी चटनी मिलती है, मुझे ना उसके साथ ये ज्यादा अच्छी लगती थी, फिर मैं सोचा टमाटर केचप के साथ खाता हूँ, मैं बोला नहीं यार ये सैंडविच बर्गर नहीं है, ये है मिर्ची का वड़ा मिर्ची के पकौड़े खाओगे आप, मिर्ची के पकौड़े कैसे रहते, मिर्ची को सीधा इसमें डुबा के करते, लेकिन इतना अलग खट्टी मीठी भी मिर्ची खाओगे जो अंदर नहीं गया उसके फीलिंग भरते कौन सी खट्टी इमली भर के, इमली, लेकिन ये वड़े की फीलिंग भर के उसको वड़ा बना देना, ये एक ना एक बनाना, एक रेसिपी बनाना, समझ लो अभी ऐसी खिलाओ, ये ऐसा खाते ना, बाप रे बाप, तुम मिर्ची खा लेना रोजे में, रमजान में पूरा रोजे दिन भर का रोजा एकदम रोजा टूट जाएगा, मैं रोजे में खाएंगे तो नहीं अवतार में, अवतार में ठीक है तो एकदम पेट भर जाएगा मेरा, बोलने का मतलब होता ओहो ये देखो चटनी के साथ में ऐसा डिप कर, अच्छा देखो ना और अच्छा, अरे बाप रे
मजा आ जाएगा। टीका नहीं ना। अरे इतना करते का मसाला तो तुमने खा लिया ऐसे नहीं खाया जाता। मैं बता इसे ना थोड़ी सी लेने का ज्यादा नहीं लेने का मसाला मेरे लिए फ्रिज में से इमली और खजूर वाली चटनी लेके आते क्या? पानी पहले खाया नहीं, पानी की बोतल खोल के रखो जल्दी। मैं मेरे को क्या बोल रहा था मालूम? सही में बोल रहा था कि जो मैंने मसाला ना आलू का जो मसाला वड़े का जो मसाला इसमें डाले इसमें ना थोड़ा खट्टापन देते थे ना तो और मस्त लगती थी दाल ना। अभी अभी लगे तीखापन है इसके लिए तो तीखा ही रहता है। ये ना इमली की चटनी मांग रहा था, खजूर इमली की चटनी जो अंदर ना हाँ बोल रहा था वो ला के दो। जबकि ये मिर्ची इतनी तेज होती नहीं है लेकिन हमने बटाटे वड़े के जो फीलिंग थी आलू की उसके अंदर हरी मिर्ची अच्छी कट करके डाले है, उसमें काली मिरी भी डाले है ना तो तीखा तो होगा। और आमचूर पाउडर मैंने खटास के लिए डाली थी। अगर आपको चटपटा चाहिए तो आप इमली नींबू का रस और ज़्यादा डाल सकते हैं खट्टे के लिए, या एक चम्मच के बदले 2 चम्मच आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। उसको खट्टा चाहिए था लेकिन मुझे यही अच्छा लग रहा है जितना मैंने डाली हूँ। हल्का सा तीखा रहेगा। हाँ 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 क्या मजा अलग रेसिपी यूनिक रेसिपी था मैं बहुत अच्छी लगी मस्त एक नंबर। आ बिना पाव का मिर्ची वाला वड़ा। हाँ पाव खाने की जरूरत ही नहीं है ऐसी पेट भर जाएगा। हाँ कहना कि मुझे ये भी तीखी लग रही है देखो नुमान नुमान निकल गया लेकिन मैं फिर से फिर खाऊंगा। मैं ऐसे बोलता ना डिप करके हाँ बीज नहीं निकलना चाहिए। बीज निकलेगी तुम्हारी नसीब। बीज तो मैंने निकाली ही नहीं। अगर आपको तीखा नहीं पसंद आप बीज भी निकाल लीजिए। मैं तो बीज के साथ ही खा लूं। ये ढेबली मिर्ची में भी पतली मोटी आती है ना? हाँ आती है ना इससे एक पतली और आती है और ये उससे मोटी रहती है। देख के लेना मोटी मोटी। हाँ उसमें फीलिंग अच्छी जाएगी मस्त। आज रमजान की भी रेसिपी हो गई आप अपने रमजान में भी बना सकते हो इफ्तार के लिए है ना। मीन बहुत अलग और यूनिक रेसिपी है मजा आ जाएगा आप खाओगे तो। हाँ एक और देखो हुशुश कर रहा लेकिन टेस्ट लग रहा है तो है ना। तुम खाओ बहुत मस्त है रेसिपी बनाना ट्राई करना फोटो भी भेजना और बनाने के बाद कमेंट्स भी करना कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दो जो हमारे चैनल पे नया है लगी जो हमारे लगा लगा तेज दिन के बाद तेज पे मेरे को हिचकी आई हिचकी लगी। इसको ना तेज लगेगा ना तो इसको हिचकी लग जाती पहले फट करके। और इसने ना इमली चटनी मंगाया था मैं लाना चाहिए था मेरे बच्चे को लग गई चटनी। हाँ कोई बात नहीं मैं बोल रहा था सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी शेयर करो और वीडियो देखो भी शेयर भी करो कमेंट्स भी करो लाइक भी करो। अभी चलते हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं कभी गाने डब्बे में से जल्दी फैला। और जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना ठीक है। तो चलो अभी रियाज को बहुत जोर से जाने से पहले इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका फिर भी बोल रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। चलो चलते हैं अपना ख्याल रखना मिर्ची लगी।